कंडिका में कहा था यद्वै तन्न पश्यति, आत्मा में चैतन्य नहीं है क्यों उस काल में नहीं दिखता। सुषुप्ति में यदि चैतन्य हो तो विषम का ज्ञान होना चाहिए, यह पूर्वादी की शंका थी। उत्तर दिया पश्चन वही तन्न पश्यति, स्मृति ने सब कहा वहां पर जानता हुआ नहीं जानता है, कैसे विशेष ज्ञान का अभाव है, विषम का अभाव होने से विशेष ज्ञान नहीं है, किंतु चैतन्य वहाँ है, चैतन्य का भाव नहीं है, विशेष ज्ञान का भाव। ये सिद्धांत ने कहा था पश्चिम में तन पश्चिम, क्यों दृष्टा की जो दृष्टि है ना, दृष्टारूप जो दृष्टि साक्षी का कभी अभाव नहीं होता, प्रमाता का तो कभी अभाव हो जाता है, शिशु प्रमाता उपाधि था, उपाधि विलय होने से नहीं है, साक्षी का अभाव नहीं होता, नहीं दृष्टुर दृष्टि विभिन्न पर विद्यते उसका अभाव नहीं होता। प्रमाता की प्रमाता को जानने वाला साक्षी अथवा साक्षी रूप जो दृष्टा रूप साक्षी है उसका कभी अभाव नहीं होता। अविनाशित्व आत्म साक्षी आत्मा अविनाशी है, सुषुप्ति में भी है, चैतन्य का लोप नहीं हुआ है। फिर दिव्य चैतन्य का लोप नहीं है तो फिर वह दूसरे को क्यों नहीं जानता, विशेष ज्ञान क्यों नहीं होता, प्रश्न उठता है। तो आगे वाक्य है न तो तद्दीप्ति अवस्थी ततो अन्यत यदि विभक्तम पश्यति, वाक्य बाकी है उसी का अर्थ करना है। द्वितीय पदार्थ नहीं है कोई वहां, उस आत्मा से विभक्त विभाजित दूसरा वस्तु नहीं है जिसको वो जान सके। आत्मा के अभाव होने से नहीं जाना, नहीं वस्तु का अभाव हो सुषुप्ति काल में, न तो तद्दीप्ति अवस्थी, वो द्वितीय वस्तु नहीं है वहां। ततो अन्यत आत्मा से भिन्न कोई द्वितीय वस्तु नहीं है, यद विभक्तम पश्य जो अब आत्मा से भिन्न होता हुआ देख सके, विभक्त को देख सके, भिन्न को देख सके, वो वस्तु नहीं है, आत्म चैतन्य का लोक नहीं है वहां भी है। ये कहा था, ये वाक्य का अर्थ करना है न तो द्वितीय अस्थि ततो अन्यत यद विभक्तम पश्य, इसका अर्थ करना कहते हैं। ठीक है, कहा वाक्यांतरम आकांक्षा पूर्वक उत्थापित व्याचे। अब अन्य वाक्य अभी तक तो ये चल रहा था नहीं त्रष्टु वृत्ते विपरण विद्यते अविनाशित्व आदि, इसके ऊपर विचार चल रहा था। अब आगे वाक्य है क्या, न तो तद्दीप्ति अवस्थि ततो अन्यत यदि विभक्तम पश्यति, वाक्य है वाक्य अंतर अन्य वाक्य आकांक्षा पूर्व उत्थापित वाचस्ते, जिज्ञासा पूर्वक उसको वाक्यांतर को उत्थापन करके व्याख्या कर देगा कथम तरी न पश्यति। ये जिज्ञासा, यदि आत्मा है सुषुप्ति में, चैतन्य है, चैतन्य का अभाव यदि नहीं है क्यों नहीं दृष्टि दृष्टि विप्रलोक विद्यते अविनाशित्व, तो बोला यदि वह चैतन्य है, आत्मा चैतन्य है तो फिर क्यों नहीं देखता, वह विषम का ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं करता, ये प्रश्न आया, एक जिज्ञासा है। एक नंबर टिप्पणी में कहा पश्चिमे वायु अत्र आस्ते उगते सदे, आपने कहा पश्चिमे व अत्र आस्ते अत्र मतलब सुषुप्त सुषुप्ति मतलब देखता हुआ ही होता है, जानता हुआ होता है इस ऐसा कहने पर, फिर न क्यों न पश्यति कथम तरह क्यों नहीं दिखता, फिर वो प्रश्न आया। उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते, उच्चते कहा जाता है, इसको उत्तर दिया जाता है न तो तद अस्थि, वो वस्तु नहीं है जिसको देखे, सुषुप्ति अवस्था में वस्तु नहीं है किम, न तो तद अस्थि का वो है नहीं किम तद, वो क्या है वो, उत्तर देते दीप्ति हम विषय भूतम, उस आत्मज्योति का विषय बनने वाला दीप्ति वस्तु का अभाव है, आत्मा का अभाव नहीं है, आत्मज्योति का अभाव नहीं है, विषय का अभाव है, दीप्ति हम न तो तत् दीप्ति हम विषय भूतम, दीप्ति वस्तु जो विषय बनने वाला जो वस्तु है, विषय होता तो आत्मा देखता, किम विशिष्टम क्या विशिष्ट है किसके द्वारा कहते, तत्व द्रष्टुर अन्य माने अन्यत्र विभक्तम, दृष्टा से अतिरिक्त रूप से विभक्त वस्तु नहीं है, उस अवस्था में दृष्टा जो साक्षी है आत्म चैतन्य है उससे भिन्न रूप से वस्तु नहीं है, वो
उसका सुषुप्ति का यद पश्यत उपलब्ध, जिसको देखे वो वस्तु नहीं हो, दृष्टा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है, सारे वस्तु अभेद होकर के बैठे हो उस काल में, दृष्टा से अतिरिक्त रूप से विभक्त वस्तु नहीं है, इस कारण से उपलब्धि नहीं कर पा रहा हो। साक्षी का अभाव नहीं, वस्तु का अभाव है, भिन्नवेद वस्तु का अभाव है। आगे भाषण में कहते यदि तद विशेष दर्शन कारण अंतर्गम चक्षु रूपम च तद अविद्या अन्यत्वेन प्रति उपस्थापित आसीत। देखो जागृत और स्वप्न में जो विशेष दर्शन के कारण होते थे, त्रिपुटी होते थे, यदि जो विशेष दर्शन कारण, जो विशेष दर्शन के कारण त्रिपुटी अंतकरणम चक्षु रूपम च, अंतकरण है सावास अंतकरण, चिरावास विशिष्ट अंतकरण, ये दृष्टा और विषय देखने का साधन चक्षु और विषय रूप, तीन होते थे, दृष्टा दर्शन दृश्य तीन होते थे जागृत और स्वप्न अविद्या के द्वारा कहा। वास्तव में वहां भी नहीं थे वस्तु, त्रिपुटी वहां भी जागृत में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, किंतु अविद्या के द्वारा उपस्थापित थे अज्ञान के कारण। यदि विशेष दर्शन कारण, जो विशेष दर्शन का जो कारण होते हैं तीन होते हैं, जब तीन बनते हैं जहां वहां विशेष दर्शन होता है, ठीक है, अंतकरण, अंतकरण में केवल अंतकरण नहीं, चिदाभास विशिष्ट अंतकरण, जिसको प्रमाता कहा जाता है, और वो जाएगा जानने वाला अंतकरण, और चक्षु देखने का साधन, वस्तु को देखने का साधन है, उपलब्धि का साधन है चक्षु, और रूपम जो रूप होगा विषय, तद अविद्या, वो जो ये तीनों जो है अंतकरण चक्षु रूप अज्ञान के द्वारा अविद्या अन्यत्वेन प्रतिपस्थापित आसीत, अन्य भिन्नत्वेन आत्मा से भिन्न रूप से ये उपस्थापित किए गए थे जागृत स्वप्न में, अविद्या के द्वारा त्रिपुटी के उपस्थापित किया गया था, स्थापित थे और माने कर्ता कारण और विषय तीन बनाए गए थे, अंतकरण चक्षु रूप, अंतकरण माने चिदाभास विशिष्ट अंतकरण, केवल अंतकरण नहीं आभास विशिष्ट, चेतन के आभास विशिष्ट अंतकरण को कर्ता मानते हैं उस काल में, और जानने का साधन चक्षु रूप, जानने का साधन चक्षु और रूप विषय, ये त्रिपुटी अविद्या के द्वारा बनाए गए थे, वास्तव में जागृत में भी त्रिपुटी नहीं है, आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, स्वप्न में भी आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं, ये जो खड़े किए गए थे अविद्या के द्वारा, ये कहना है टिप्पणी है ना, दो और तीन की अन्यत्व दो आत्मभिन्नत्व, आत्मा से भिन्न रूप से उपस्थापित किया गया था जागृत स्वप्न में अविद्या के द्वारा, क्या अंतकरण चक्षु और रूप तीन त्रिपुटी प्रति उपस्थापित में प्रत्यायतम, ऐसा ज्ञान कराया गया था, ये कर्ता है, ये कारण है, ये विषय है, ऐसा कराया गया था अविद्या के द्वारा, आत्मा से भिन्न उस काल में भी रहे थे, अज्ञान से भाषते थे तीनों, तदे तब इसमें काले एक ही भूतम, इस काल में सबके सब वो जो अंतकरण रूप चक्षु तीनों के तीनों एक हो गए हैं, इस काल में सुषुप्ति काल में वहाँ भेद नहीं हो पा रहा है, ये अंतकरण है, ये कर्ता है, और ये कारण है चक्षु देखने के साधन है, और ये रूप है उपलब्धि होना है, ये ज्ञान नहीं हो पा रहा, एक और रखे सुषुप्ति काल, तदे तत् तत् एतस्मिन् काले, वो जो तीन थे अंतकरण चक्षु और रूप जो त्रिपुटी थे जागृत स्वप्न अविद्या के द्वारा खड़ा किए गए थे, वास्तव में नहीं थे वो वहाँ पर, एतस्मिन् काले माने सुषुप्ति काल में एक ही भूतम, सबके सब एक हो गए, वहाँ दृष्टा दर्शन दृश्य तीन नहीं हो पा रहे सुषुप्ति काल में, आत्मा से भिन्न नहीं हो पा रहे, आत्मा परेण परिसंवाद कर रहे हैं, क्यों वहाँ पर आत्मा परमात्मा के साथ एक हो रखा है सुषुप्ति अवस्था में, वहाँ अंतकरण के साथ नहीं आत्मा, यदि अंतकरण के साथ होता उस स्थिति में फिर रूपादि का दर्शन होता, भिन्न होता, अभी तो आत्मा को परेण परिसंवाद कहते हैं, परिता स्वंग परिसंग्रह, परमात्मा रूपी होकर बैठा हुआ है, ईश्वर रूप होकर के बैठा है उस काल में आत्मा का, चार पांच छह की टिप्पणी कहते हैं, आत्मा हमारे जो त्रिपुटी में आया हुआ जो अंतकरण रूपी आत्मा था ना, वह आत्मा अभी उपाधि को छोड़ करके अपने रूप में बैठा है, अंतकरण नहीं उसके पास, अभी उपाधि के साथ होने पर त्रिपुटी होना था,
यही कहा परमात्मा आप पढ़ो मेरे प्रमातु, जो प्रमाता है जो जागृत स्वप्न में प्रमाता बनता था, जानने वाला होता था वह पांच प्रकार परमात्मा परिणाम परिसंघात बने एक ही भाव परमात्मा में एक हो रखा है, अभी उपाधि रहित हो रखा है, अंतरंग नहीं वहां अभी, इस कारण से त्रिपुटी अविद्या के द्वारा खड़े भी हो रहा ही नहीं, अंतकरण भी नहीं है, चक्षु भी नहीं, रूप भी नहीं, ज्ञान नहीं होता कहा। आगे की भाष्य में कहते आगे द्रष्टुर ही परिचिन्न से विशेष दर्शनाय करवाने अन्य व्यवतिष्ठन्ते, द्रष्टा को द्रष्टा माने जब प्रमाता बनता है द्रष्टा, अंतकरण विशिष्ट होता है जब आत्मा जागृत स्वप्न में, द्रष्टुर ही द्रष्टा को ही परिचन्न से जो दृष्टा है, जब अंतकरण के घेरे में पड़ता है तो जागृत स्वप्न में होता है, परिचिन्न हो जाता है, और सुषुप्ति में अपरिचिन्न अवस्था में है, ईश्वर भाव में है, द्रष्टुर ही परिचन्न से जो दृष्टा परिचिन्न दृष्टा है, प्रमाता जिसको बोलते हैं, जीव जिसको बोलते हैं, उपाधि विशिष्ट अवस्था में विशेष दर्शन है, इसको विशेष ज्ञान के लिए प्रमाता को जो विशेष ज्ञान करना है, ये रूप है, ये रस है, ये गंध है इत्यादि विशेष ज्ञान के लिए, करणानी जो इंद्रिया है भिन्न भिन्न इंद्रिया अन्यत्व व्यवतिष्ठनते व्यवतिष्ठन व्यवस्थित होते हैं, अन्य अन्य इंद्रिया रूप दिख रहा हो तो चक्षु व्यवस्थित हो जाती है प्रमाता को, और प्रमाता को गंध सुनना हो तो घ्राण व्यवस्थित हो जाती है, शब्द सुनना हो श्रोत्र इंद्रिय व्यवस्थित हो जाती है, जो प्रमाता बनेगा जिसका कब बनता जागृत स्वप्न में अज्ञान के द्वारा खड़ा किया गया है, अंधकार के साथ तादात्म्य कर जाता है, तो उस स्थिति में प्रमाता हो जाता है, प्रमाता होने पर उसको विशेष दर्शन रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि का दर्शन के लिए भिन्न भिन्न इंद्रिया व्यवस्थित हो जाती है, पांच इंद्रिया पांच विषय है, प्रमाता ने विशेष दर्शन के लिए कारवाणी ये इंद्रिया है अन्य तेरह व्यवतिष्ठनते का अन्य भिन्न भिन्न रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं इंद्रिया प्रमाता के लिए कहा। सात आत्मा की टिप्पणी करते सात कहा जागृत स्वप्रस्थ प्रमातु, कौन सा प्रमाता, जो जागृत अवस्था में प्रमाता कहा जाता है, अंतकरण में तादात्म्य कर जाता है, स्वप्न में वही है अंतकरण में तादात्म्य है, ये जागृत स्वप्न में रहने वाला जो प्रमाता है, सुषुप्त में प्रमाता नहीं होता, सुषुप्त में ईश्वर रूप में पहुंचता है, कोई उपाधि को छोड़ देता है ईश्वर रूप हो जाता है, उपाधि पकड़ता है प्रमाता वही उसी जाना प्रमाता हो जाता है। द्रष्टुरी माने कौन सा दृष्टा, तो साप कहा जागृत स्वप्रस्थ से जो जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में स्थित जो प्रमाता है उसका ही परिचन्न से, वो परिचन्न हो गया क्योंकि उपाधि उसकी छोटी है अंतकरण परिचन्न से, आठ के टुकड़े कहा नौ में आत्मभिन्नत्व आत्मभिन्न रूप से है वो परिचन्न से आठ का ही परिचन्न प्रमाता प्रमातु का अर्थ एक है परिचिन्न से बने प्रमातु प्रमाता का बोल दिया। आगे कहते हैं परिचिन्न से विशेष दर्शन आया कारणानि अन्यतेन विवतिष्ठते, विशेष दर्शन के लिए भिन्न भिन्न कारण व्यवस्थित हो जाते हैं, इंद्रिया व्यवस्थित होते हैं, उन्होंने कहा आत्मभिन्नत्वेन प्रमाता से भिन्न रूप से इंद्रिया उपस्थित हो जाती है, उसका व्यवस्थित हो जाते हैं, क्या देखना है कौन सा काम करना है, ये रूप देखना है तो कर्म चक्षु व्यवस्थित हो जाती है उसका प्रमाता को, शब्द सुनना है श्रोत्र इत्यादि पांच विषय ग्रहण के पांच इंद्रिय व्यवस्थित हो जाते हैं, एक आत्मा से भिन्न रूप से हो जाते हैं उसका जागृत स्वप्न, इसलिए वहां पर भिन्न वस्तु होता है तो उसमें उपलब्ध भिन्न वस्तु की उपलब्धि होती है जागृत स्वप्न, और सुषुप्ति अवस्था में सबके सब अभिन्न अवस्था में पहुंच गए वस्तु कारण रूप में लीन हो रखे हैं कोई वस्तु नहीं, इसलिए वहां पर उपलब्ध नहीं होती विषय की उपलब्धि नहीं होती है, किंतु आत्मा का अभाव वहां नहीं है, आत्मा वहां भी है एक अर्थ है। अयम तो अयम माने सुसुप्त आत्मा सुसुप्ति अवस्था में आत्मा है, जागृत स्वप्न से ऊपर की अवस्था सुसुप्ति अवस्था वाला आत्मा तो सर्वात्मना संपरि स्वप्त जो सर्वरूप एक परमात्मा ईश्वर उसके साथ एक हो रखा है, सुसुप्ति अवस्था में ईश्वर ईश्वर रूप में होता है, अयम तो माने जो अयम संसुप्त आत्मा सुसुप्ति अवस्था में जो आत्मा है तो सर्वात्मना सभी प्रकार से दस की त्रिप्र बताया सर्वात्मना अपरिछिन्न अपरिछिन्न रूप में परिचिन्न रूप में नहीं है, अंतकरण आदि विशिष्ट नहीं है, उपाधि छोड़ा हुआ है उस काम में
ईश्वर भाव में है, अपरिचिन्न अपरिचिन्न सर्वात्मा संपरिशोक्त ज्ञान मतलब एक ही भूत एक हो रखा है परमात्मा है ईश्वर के साथ एक हो रखा है उसका। स्वेन परेण प्राज्ञेन आत्मना अपना स्वरूप है जो प्राज्ञ आत्मा मान ईश्वर यही है। स्वेन परेण प्राज्ञेन आत्मना जो परमात्मा परमात्मा है उसके साथ एक हो रखा है। प्रियया एवं पुरुष जैसे कामुक पुरुष स्त्री के साथ एक हो जाता है उस अवस्था में उसको बाहर का विषय ज्ञान है भीतर का विषय ज्ञान नहीं होता। ऐसे यहाँ प्रिया एवं पुरुष जैसे प्रिया के साथ प्रिय स्त्री के साथ एकत्र होने पर पुरुष को बाहर भीतर का ज्ञान नहीं होता इस प्रकार वहाँ परमात्मा का साथ एक हो रखा है सुषुप्त अवस्था में इसलिए विषयों का ज्ञान नहीं होता विषय का अभाव है वहाँ। आत्मा का अभाव सुषुप्त में नहीं कहा तेरह न पृथक व्यवस्था वाली करवाने विषय से इस कारण से तेरह मैंने परमात्मा के साथ एक होने के कारण से सुषुप्त अवस्था में परमात्मा के साथ एक हो रखा है। तेरह कह दिया अवतरण तेरह बोल दिया तेरह में टीका में अवतरण दिया है तेरह का अवतरण का तस्य परेण एक ही भाव होगा भाई का उसका परमात्मा के साथ एक ही भाव होने पर क्या फल होता है उसका न पृथक व्यवस्था नहीं करना विषय उस काल में वह आत्मा से भिन्न न इंद्रिया है न विषय है। जागृत में परमात्मा से भिन्नत्व था अज्ञान के कारण परमात्मा बना हुआ था परमात्मा से भिन्न अपने को मानता था उस काल में इंद्रिया व्यवस्थित थे रूपादि विषय व्यवस्थित थे तो त्रिपुटी होकर वो जानता था रूप चक्षु आदि के द्वारा जानता था रूपादि को जानता था। यहाँ पर उससे पृथक कोई है नहीं क्योंकि परमात्मा के साथ एक हो गया है उससे वह पृथक इंद्रिया भी नहीं है विषय भी नहीं है इस कारण से नहीं जानता है कहा तेरह न पृथक व्यवस्थित करणाने विषय से परमात्मा का साथ एक होने के कारण से अतिरिक्त रूप से न विषय है वहाँ न इंद्रिया परमात्मा से अतिरिक्त रूप से विषय भी नहीं इंद्रिय भी नहीं इसलिए नहीं जानता है। आत्मा का स्वरूप का अभाव नहीं है विषयों का अभाव है इसलिए नहीं जानता कहा। तद अभाव इंद्रिया और विषयों का अभाव होने से विशेष दर्शन नास्ती विशेष ज्ञान नहीं होता विशेष ज्ञान नहीं होता विशेष का ज्ञान नहीं होता ये घट है पट है मठ है ज्ञान नहीं होता उसका स्वरूप का भाव नहीं स्वरूप है आत्मस्वरूप का भाव नहीं वहाँ सुषुप्त अवस्था में नहीं विषयों का भाव नहीं तद अभाव तेरे की टिप्पणी पृथक विषयादि अभाव आत्मा से पृथक विषयादि का अभाव है उसका आत्मा से अतिरिक्त विषय भी नहीं इंद्रिया भी नहीं जानने का साधन भी नहीं है और जानने का विषय भी नहीं वहाँ उसका इनके अभाव होने से ज्ञान नहीं हो रहा है न तो तद्दीप्ते मस्ती तथो अन्य भुगतम पश्यति इसी का अर्थ कर रहे हैं। करणादिकृतम ही तत् जो विशेष दर्शन तत् माने विशेष दर्शन जो विशेष ज्ञान होता है इंद्रियों के माध्यम से होता है इंद्रिय और विषय हो आत्मा के साथ हो आत्मा के साथ इंद्रिय हो विषय हो भिन्न भिन्न आत्मा भिन्न इंद्रिय भी हो विषय भी हो उस काल में विशेष दर्शन होता है ये रूप है ये रस है ये गंध इत्यादि ज्ञान होता है चक्षुरादि कर्ण हो और विषय भी हो रूपादि विषय भी हो तो वहाँ ज्ञान होता है। कर्णादिकृतम ये तत् न आत्मकृतम विशेष दर्शन जो होता है इंद्रियों के कारण से होता है इंद्रियों और विषयों के कारण होता है विशेष ज्ञान आत्मा के कारण नहीं आत्मा तो सुषुप्ति में भी है और विशेष दर्शन नहीं है जागृत स्वप्न में इंद्रिय है विषय है इसी कारण से वह विशेष ज्ञान होता है ये घट है पट है मठ है चट है रूपादि का ज्ञान होता है किंतु सुषुप्ति में इंद्रिय नहीं है विषय नहीं है इसलिए विशेष दर्शन नहीं है कहा। कर्णादिकृतम ही कर्ण माने इंद्रिया और आदि से विषय इंद्रिय विषय हो तब विशेष ज्ञान होता है कहा तब माने विशेष दर्शन न आत्मकृतम आत्मा के द्वारा विशेष दर्शन नहीं होना नहीं क्यों सुषुप्ति में भी आत्मा है वह विशेष दर्शन नहीं आत्मा के कारण नहीं इंद्रिय और विषयों के कारण विशेष ज्ञान होता है न तत् आत्मकृतम है तत् माने चौदह के टुकड़े में कहा विशेष दर्शन इंद्रियों पर और विषयों के माध्यम से होता है आत्मा के कारण नहीं कहा। आत्मकृतम ही प्रत्यवाहित है तो इंद्रियों और विषयों के कारण विशेष ज्ञान होता है किंतु अज्ञान के कारण आत्मा ने किया ऐसा लगता है विशेष ज्ञान आत्मा को हो रहा लगता है आत्मा के द्वारा हुआ विशेष ज्ञान ऐसा भासता है अज्ञान के कारण। आत्मकृतम ही है तो विशेष ज्ञान इंद्रियाधिकृत है किंतु आत्मकृतम भी प्रत्यवभाषते आत्मकृत आत्मा के द्वारा ये विशेष ज्ञान होता है ऐसा प्रतीत होता है आत्मा से विशेष ज्ञान नहीं होता
आप प्रकृत नहीं हो विशेष ज्ञान, अविद्या कृत है। अविद्या के कारण जब इंद्रिय और विषय उपस्थित हो जाते हैं तो विशेष ज्ञान होता है, जान को सुनते तस्मात तत्कृतायम भ्रांति कहते हैं। इसलिए ये जो क्या अविद्याकृत है या भ्रांति, आत्मकृत मानना भ्रांति है। आत्मनोदृष्टि परिलुप्यते, आत्मा की दृष्टि का भी लोप होता है, आत्मा का दृष्टि माने आत्मज्योति का लोप होता है सुषुप्ति अवस्था में, माने भ्रांति है। आत्मकृत नहीं विशेष दर्शन, विशेष दर्शन नहीं होता इसलिए आत्मा भी नहीं कहना भ्रांति है, अविद्याकृत है। तस्मात तत्कृता ये भ्रांति माने इंद्रिय और विषयों के द्वारा होने वाले जो विशेष दर्शन था उसको आत्मा में आरोप करके अभी आत्मा है विशेष दर्शन नहीं करके सुषुप्ति में भ्रांति होती है, आत्मकृत नहीं हो इसलिए दृष्टि का लोप होता है करके कहा गया। किंतु दृष्टि का लोप नहीं होता, नहीं दृष्टि और दृष्टि विपट रूप दिखते थे अविनाशी हुआ ठीक ठीक तृतीयादि पदाराम पौनरुक्तम आशंक्य अर्थ अभेदम दर्शय अर्थभेदम दर्शाएगी। द्वितीय न तो द्वितीय अस्ति, एक द्वितीय शब्द है मंत्र में, और दूसरा आगे ततो अन्यत यदि विभक्त है आगे अन्यत पद दिया तो द्वितीय बोलेंगे अन्यत को अन्य बोलेंगे, एक ही चीज है द्वितीय बोले दूसरा, अन्य बोले भिन्न, दोनों भिन्न अर्थ होता है तो एक ही से काम चलता है, द्वितीय बोलो चाहे अन्य बोलो, ये पुनरुक्ति है। जब द्वितीय शब्द पहले दे दिया न तो द्वितीय अस्ति, उसके बाद ततो अन्य यदि विभक्त फिर आगे अन्य शब्द देने क्या अन्य शब्द देने की आवश्यकता क्या है, ये पुनरुक्ति है, ये शंका उठाई। द्वितीय आदि पदाराम एक द्वितीय पद है यहाँ मंत्र में और एक अन्य पद है इनका, पौनरुक्त महाशब्द यह पुनरुक्ति है, द्वितीय मान भी भिन्न होता है और अन्य मान भी भिन्न होता है, पुनरुक्ति अर्थभेदम दर्शेगी। द्वितीय शब्द का अर्थ अलग है और अन्य शब्द का अर्थ अलग है, यहाँ भेद दिखाते हैं अर्थ में भेद है, इसलिए दो शब्द दिया गया द्वितीय शब्द और अन्य शब्द। न तो द्वितीय अस्ति ततो अन्य यदि विभक्त न तो द्वितीय अस्ति ततो अन्य यदि विभक्त पश्चिम, अर्थ में भेद है, द्वितीय का अर्थ अलग और अन्य का अर्थ अलग है, अर्थ भेद है इसलिए दो शब्द दिया गया। इस सिद्धांत की ओर से कहा शंका थी द्वितीय आदि पद आराम द्वितीय पद आदि से लेना अन्य पद, ये दोनों का पुनरुक्ति पुनरुक्तम आशक्य अर्थभेदम दर्शाती अर्थ में विशेषता है भिन्न है, इसलिए दो शब्द अलग अलग दिया, द्वितीय शब्द दिया है और अन्य शब्द दिया सत्य में एक कहा। पंद्रह की टिप्पणी में कहा द्वितीय आदि पद आराम है आदिना अन्य विभक्तम पदद्वय, दो और है अन्य पद भी है विभक्त पद भी है, देवता मान भिन्न होता है अन्य मान भिन्न होता है द्वितीय मान भिन्न होता है, तीन पदों को लेकर के शंका उठाई पुनरुक्ति है। जब द्वितीय शब्द बोल दिया स्मृति ने फिर आगे अन्य शब्द क्यों, अन्य बोल दिया फिर विभक्त शब्द क्यों, इनमें पुनरुक्ति है शंका उठाई। तो सिद्धांत कहते तीनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है, द्वितीय का अर्थ अलग है अन्य का अर्थ अलग है विभक्त का अर्थ अलग है, ये दिखा दें यदि इत्यादि कहा। यदि तद विशेष दर्शनों कारण विशेष दर्शन का कारण क्या होता है, कहते अंतकरणम चक्षु रूपम च, तीन होते हैं जब अंतकरण हो, अंतकरण माने चिदाभास विशिष्ट अंतकरण प्रमाता जिसको प्रमाता कहा जाता हो, चक्षु हो आँख दृक्शक्ति हो और रूप हो विषय, यही है विशेष दर्शन का कारण, तीन होंगे तो विशेष दर्शन होगा जिसका अंत प्रमाता होगा और चक्षु भी होगी रूप भी होगा और चक्षु के द्वारा रूप को जानता है, ऐसे क्या विशेष दर्शन होगा रूप आय करके जानता है विशेष दर्शन, किंतु तद अन्यत्व प्रतिभास्तव अविद्या का वह जो तीनों के तीनों वास्तव में है ही नहीं, आत्मा से अतिरिक्त है ही नहीं वो तीनों के तीनों, न अंतकरण और न रूप न चक्षु अविद्या के द्वारा उपस्थापित है तीनों, ये होने पर विशेष दर्शन होता है माना अविद्या काल में विशेष दर्शन होता है ये कहा। तद ये तत् अस्म काले नास्ती, वो जो तीनों के तीनों इस काल में नहीं है, अंधकार भी नहीं है चक्षु भी नहीं है रूप भी नहीं है सुषुप्ति काल, इसलिए विशेष दर्शन नहीं होता, ये उत्तर दिया ठीक है। भाषण अंतकरण कहा था उसका अर्थ होता है साभाषम अंतकरण, शिलाभास सहित अंतकरण जिसको प्रमाता बोला जाता है, अंतकरण विशिष्ट होने पर प्रमाता कहा जाता है, शिलाभास चेतन तो नहीं चेतन का आभास है अंतकरण प्रतिबिंब है, सहभाषम
आवासन सहित अंतकरण विद्यावास के सहित अंतकरण अंतकरण यद पश्यत जो देख सके, क्योंकि तीनों के तीनों अविद्या के द्वारा उपस्थापित थे जो देख सके थी। तथो अन्य विभक्तम यद पश्यत कहा था जो देख सके। विशेष दर्शन कारण प्रमात्री द्वितीयम, विशेष दर्शन का कारण प्रमाता द्वितीय शब्द का अर्थ है, न तो तद द्वितीयम अस्ति ततो अन्यत यद विभक्तम पश्यत। तीन शब्द में यहाँ पुनरुक्ति की संख्या उठाई तो प्रत्येक अर्थ भेद कहा। द्वितीय शब्द यह प्रमाता, सावास अंतकरण केवल आत्मा नहीं चिदावास है, केवल अंतकरण प्रमाता नहीं होता, चेतन के आवास प्रतिबिंब होने पर अंतकरण प्रमाता हो जाता है। यही है सावास अंतकरण यद पश्यत जो देख सके। यदि विशेष दर्शन कारण प्रमात्री द्वितीयम कहा, ये जो द्वितीय शब्द का अर्थ होता है विशेष दर्शन का कारण प्रमाता। एक बार सोलह और सत्रह की टिप्पणी में कहते हैं, सोलह में कहा यदि ये तत्पद वाच्यम, ये द्वितीय पद का वाच्यार्थ ही होता है प्रमाता होता है कहा प्रमाता। सत्रह की टिप्पणी में बताते हैं स्रौत द्वितीय द्वितीय पदाभेय द्वितीय पदार्थ श्रुति में जो द्वितीय शब्द है द्वितीय अस्ति का माने वहां अंतकरण प्रमाता नहीं है, वहां कहा सुषुप्ति अवस्था में ऐसा कहा द्वितीय अस्ति इसका अर्थ है। तो प्रमात्र शब्द का अर्थ यही होता है तीन होने पर विशेष दर्शन होता है, तीनों के तीनों अविद्या के द्वारा खड़े थे जागृत में स्वप्न में। अभी अविद्या तुला विद्या नहीं है, विक्षेप है प्रमाता अधिकरण विक्षेप, तुला विद्या नहीं है न होने के कारण वहाँ अविद्या नहीं है, तुला विद्या का अभाव है तो विक्षेप नहीं है, इसलिए वहाँ पर द्वितीय वस्तु नहीं है। द्वितीय माने प्रमाता नहीं है, द्वितीय शब्द का भी है प्रमाता नहीं है। प्रमाता अविद्या के द्वारा खड़ा किया, कौन सी अविद्या तुला विद्या विक्षेप शक्ति ने खड़ा किया था, प्रमाता और प्रमेय और प्रमाण इत्यादि बनाया था अविद्या के कारण। या ज्ञान काल में होता है सुषुप्ति में किसी प्रमाता प्रमाण प्रमेय कोई होता नहीं, वहाँ जागृत स्वप्न में विक्षेप शक्ति का फल परिणाम है। सब प्रतिबंध थे यही कहा, ये द्वितीय शब्द का अर्थ यही है कहा। तस्मात वो द्वितीय से तस्मात अठारह की टिप्पणी बता दिया था प्रमातु उस प्रमाता से अन्य चक्षुरादि ततो अन्य यद विभक्तम पश्यत अन्य का अर्थ चक्षुरादि, प्रमाता से अन्य चक्षुरादि वहाँ नहीं है बोलना चाहे चक्षुरादि चक्षु बिने विषय बिने अन्य अन्य मान चक्षुरादि उन्नीस में कह दिया अन्य शब्दार्थ अठारह पर तस्वाद मैंने प्रमाता से यह अर्थ आएगा अन्यत मैंने चक्षुरादि या अन्य शब्द का अर्थ हो गया तो अन्यत आगे विभक्त आएगा चक्षुरादि। प्रमाणम प्रमाण नहीं है प्रमाता नहीं है प्रमाण भी नहीं है अन्य शब्द का अर्थ प्रमाण। और रूपादि जो प्रमेयम और रूपादि प्रमेय है जिसको जानना है विभक्तम जो विभक्त वस्तु रूपादि मैंने चक्षुरादि को वहाँ अन्य शब्द से लेना है श्रुति में मान प्रमाण को अन्य शब्द से लेना और प्रमाता को द्वितीय शब्द से लेना और विभक्त शब्द से विषय को लेना एक अर्थ विभक्तम प्रमेय जो विभक्त है बीस की टिप्पणी बताया विभक्त पदार्थ वह प्रमाण नहीं है चक्षुरादि नहीं है जो अन्य शब्द से लिया गया श्रुति में और द्वितीय शब्द से लिया गया प्रमाता नहीं है वहाँ सुषुप्ति में और रूप जो कहा था माने जहाँ विभक्त शब्द से लिया गया तीनों नहीं है वहाँ त्रिपुटी नहीं है ये त्रिपुटी विक्षेप शक्ति ने खड़ा किया था जागृत और स्वप्न में विक्षेप शक्ति होती है अविद्या में तो अविद्या की दो शक्ति है आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति सुषुप्ति काल में आवरण शक्ति है किंतु ये जो त्रिपुटी वहाँ नहीं होता त्रिपुटी नहीं होती वहाँ माने प्रमाता प्रमाण प्रमेय नहीं होते सुषुप्ति क्यों ये विक्षेप शक्ति का परिणाम है विक्षेप शक्ति होने पर एक बनते हैं अविद्या विक्षेप शक्ति ने खड़ा किया था इनको वो वहाँ नहीं है ये कहा ये टीका में बोल रहे हैं सावास अंतकरण यद पश्यति चिरावास विशिष्ट अंतकरण जो देख सके वो वस्तु नहीं है क्यों प्रमाता होना पड़ेगा देखने विशेष दर्शन के लिए प्रमाता होना पड़ेगा प्रमाण होना पड़ेगा चौषरादि इंद्रिय होना चाहिए और विषय होना चाहिए प्रमेय होना चाहिए तीनों नहीं हुआ अविद्या के द्वारा खड़े किए कौन सी अविद्या विक्षेप शक्ति ने खड़ा किया था ये वस्तु का अभाव है
विशेष दर्शन का कारण ये होते हैं। प्रमात्री द्वितीय शब्द का अर्थ है और उस प्रमाता से अन्य वाले चक्षुरादि प्रमाण है और उपाधि प्रमेय है वो जो विभक्त है, विभक्त शब्द से कहा गया है। तत्सर्व सब के सब तीनों के तीनों त्रिपुटी जो अविद्या के द्वारा उपस्थापित थे जागृत स्वप्न में तुला विद्या के द्वारा, सब जागृत स्वप्न जो अविद्या अविद्या प्रतिपन्न अविद्या से प्राप्त थे ये तुला विद्या के द्वारा खड़े थे, स्वरूप प्राप्त था इनका जागृत स्वप्न जागृत स्वप्न प्रतिपन्न। सुषुप्ति काल कारण मात्रता गतम, सुषुप्ति काल में कारण भाव में चले गए, तुला विद्या में पहुंच गए, वहां प्रमाता भी नहीं सुषुप्ति काल में, प्रमाण भी नहीं है, प्रमेय भी तुला विद्या के द्वारा इनका स्वरूप खड़ा किया गया था और तुला विद्या नहीं है सुषुप्ति काल में, विक्षेप शक्ति नहीं हुआ, मूला विद्या में आवरण में चले गए। एक प्रतिपन्नम 21 की टिप्पणी में कहा प्रतीयमानम, ये कहा जागृत स्वप्न में जो अविद्या के द्वारा प्रतीत होते थे वो वस्तु सुषुप्ति काल है, सुषुप्ति काल में कारण मात्रता गतम, कारण मात्र में चले गए, आवरण रूप अज्ञान में पहुंचे हुए हैं उस काल में, विक्षिप्त शक्ति तुला विद्या में नहीं है, मूला विद्या में पहुंचे हुए साथ। तुला विद्या में तो विशेष दिखाई पड़ता है, जब विशेष होता है तुला विद्या होती है उस काल में, जागरण स्वप्न विशेष होता है, प्रमाण होता है, प्रमाता होता है, प्रमेय होता है, तो तुला विद्या वो नहीं, अब विक्षिप्त शक्ति नहीं, वो हंसू शक्ति मूला विद्या पहुंच गए। गतम अभिव्यक्तम नास्ति, इसलिए अभिव्यक्त नहीं है वो वस्तु, नाश नहीं हुआ है, कारण विलीन हो रखे हैं मूला विद्या में, जो प्रमाता प्रमाण प्रमेय बनने वाली अभी नाश नहीं हुआ है, कारण विलीन है, अभी अनिव्यक्त अवस्था में, अभिव्यक्त नहीं हो रहे हैं वहाँ, सुषुप्ति अवस्था में मूला विद्या में पहुंचे हुए हैं तीनों के तीनों, जो तीनों होने पर विशेष ज्ञान होता था वो तीनों अभी मूला विद्या में है, अनभिव्यक्त अवस्था में है, अभिव्यक्त नहीं है, इनका स्वरूप दिखता नहीं उस काल में सुषुप्ति, अनभिव्यक्तम इत्यादि नास्ती अभिव्यक्त नहीं है कहा उस काल में, न प्रमाता अभिव्यक्त है, न प्रमाण अभिव्यक्त है, न प्रमेय अभिव्यक्त है, शक्ति नहीं वहां। सुषुप्ते द्वितीय प्रमात रूप नास्ती है, सुषुप्ते अवस्था में जो द्वितीय पदार्थ प्रमाता कहा गया न तो तब द्वितीय वस्तु में द्वितीय समझ का प्रमाता प्रमात रूप नास्ती, प्रमाता का स्वरूप नहीं, उपाधि वह प्रमाता जो है ना उपाधि को छोड़ करके वो परमात्मा के साथ एक रखा है उस काल में प्रमाता, यही कहते हैं सुषुप्ति द्वितीय माने जो प्रमाता है। 22 के टिप्पण बताया है द्वितीय पदाभिधेय, द्वितीय पद के द्वारा कहा गया जो विषय है जो सावास अंतकरण कहा था वह उस काल में प्रमाद नास्ती इत्येत उपाधि, प्रमाता स्वरूप, प्रमाता स्वरूप नहीं है वहाँ, विक्षेप शक्ति का अभाव है नहीं है, इसको सिद्ध करते हैं आत्मना इत्यादि का, आत्मना परेण परिसंघा, आत्मा जो प्रमाता है वो परमात्मा के साथ एक एक हो रखा उसका आत्मा, अभी अंतकरण के साथ नहीं है, परमात्मा के साथ एक हो रखा है, अरे उपाधि अपने कारण में लीन हो रखे हैं अज्ञान में भूला ज्ञान में, उपाधि अपने पास उपेद बिंब स्वरूप हो रखा है, परमात्मा स्वरूप हो रखा है, ये कारण है परमात्मा में एक हो रखा है, ये कह दिया। प्रमाद रूप पृथक नास्ती, परमात्मा से पृथक रूप प्रमाता स्वरूप नहीं है, प्रमाता स्वरूप क्यों नहीं है, उपाधि नहीं उस काल, उपाधि जो अंतकरण है वो अज्ञान में लीन हो रखा है, मूला विद्या में लीन हो रखा है, जो उपाधि नष्ट होने पर बिंब जो होता है वह प्रतिबिंब रूपी होता है, प्रतिबिंब जो होता है बिंब रूपी होता है, चेतन का आवास था चेतन रूप हो रखा उस काल में सुषुप्ति में, सुषुप्ति अवस्था में एक कहा। आगे कहते हैं तथापि कर्ण व्यापार कृतम विषय दर्शन आत्मना से, फिर भी प्रमाता नहीं है उस काल में, ठीक है पूर्वादि होता है, फिर भी माने इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रिय होंगे वह सुषुप्ति में, इंद्रियों के माध्यम से विषय का ज्ञान विशेष ज्ञान हो प्रमाता न होने पर भी, ये पूर्वादि की शंका है, तथापि फिर भी 23 की टिप्पणी का तथापि तथापि अभेदेन पृथक प्रमात्र अभाव, परमात्मा के साथ अभेद हो गया है उस काल में सुषुप्ति अवस्था में प्रमाता, इसलिए अतिरिक्त उसका प्रमाता का स्वरूप न होने पर भी, फिर भी इंद्रियों तो होंगे ना वहाँ सुषुप्ति में, इंद्रियों के द्वारा विषय हो गया वो, ये शंका है पूर्वादि की।
तथापि कर्म व्यापार कृतम इंद्रियों को व्यापार के द्वारा विषय दर्शन आत्मा से आत्मा को इंद्रियों के व्यापार के द्वारा विषय के ज्ञान को प्रमाता नहीं रहा, प्रमाता परमात्मा रूप में हो गया उस काल में, फिर भी आत्मा का वहाँ विशेष ज्ञान हो इंद्रियों के व्यापार के माध्यम से, ये पूर्वादि की शंका आ गई। उत्तर देते द्रष्टु इत्यादि कहा इसका, द्रष्टु ही परिचिन्न से विशेष दर्शनाय कर्णानि अन्यत्र व्यवतिष्ठन्ते कहा। द्रष्टा जो परमाता होता है, जिसका अर्थ प्रमाता बनता है, जागृत स्वप्न में उपाधि विशिष्ट होता है आत्मा, तो प्रमाता कहलाता है उस द्रष्टा का। किस अवस्था में होता है? परिचिन्न से कहा, अंतकरण विशिष्ट होता है उसका, उपाधि विशिष्ट परिचिन्न जो द्रष्टा है प्रमाता, विशेष दर्शन आया उसको घट पट मठ विशेष दर्शन के रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि के विशेष ज्ञान के लिए कर्णानी अन्योत्तर व्यवतिष्ठन थे। इंद्रिया भिन्न रूप माने उस परमात्मा से भिन्न रूप से व्यवस्थित होते हैं, भिन्न भिन्न इंद्रिया काम करते हैं उस काल में। प्रमाता जब होगा उस काल में उसको विशेष ज्ञान होना है, ये रूप है, ये रस है, ये गंध है, शब्द है इत्यादि ज्ञान होना है प्रमाता को। उसके लिए इंद्रिया भिन्न भिन्न उपस्थित होते हैं, रूप ज्ञान करना हो चक्षु व्यवस्थित हो जाती है, रस ज्ञान करना हो रसरा व्यवस्थित हो जाती है, गंध ग्रहण करना हो प्रमाता को तो ग्रहण व्यवस्थित हो जाती है, शब्द सुनना हो तो स्रोत्र व्यवस्थित हो जाती है, ऐसा है, और स्पर्श स्पर्श लेना हो तो इंद्रिय व्यवस्थित हो जाती है प्रमाता को। प्रमाता माने परिचिन्न है, जागृत स्वप्न में जो उपाधि विशिष्ट काल है उसके लिए इंद्रिया काम करती है, कहा व्यवस्थित होते हैं। टीका में कहते हैं सुषुप्तस्य परिचन्नत्वम आशंक है, सुषुप्त से आप परिचन्नत्वम आशंक है, सुषुप्त भी तो परिचन्न ही है, ये पूर्वादि की शंका हो गई। शंका कर उत्तर देते अयम तू कहा, अरे बाबा ये सुषुप्त आत्मा है, सुषुप्ति अवस्था वाला आत्मा है, ये तो सर्वात्मना संपरिशुप्त हर प्रकार से परमात्मा में एक हो रखा है, ये परिचन्न नहीं अपरिचन्न व्यापक हो रखा है उसका। ईश्वर परेण प्राज्ञन आत्मा, अपना स्वरूप जो परमात्मा है इसका स्वरूप परमात्मा ही है। जैसे प्रतिबिंब जो होता है जल सूख जाए तो जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब का स्वरूप क्या है? बिंब ही होता है। ठीक इस प्रकार परमात्मा ही है, उपाधि हटे ये परमात्मा, उपाधि रहे परमात्मा, ये स्थिति है। अयम तो सर्वात्मा हर प्रकार से संपरिशोक्त सम्यक परिशोक्त एक हो रखा है परमात्मा में, अभेद हो रखा है। स्वेन परेण प्राज्ञन आत्मा जो परमात्मा है प्राज्ञ आत्मा के साथ प्रियया एवं पुरुष, जैसे पुरुष कामी पुरुष स्त्री के साथ में एकत्व हो जाता है इसी तरह एक हो रखा है। टीका में कहते हैं तस्य परेण एक ही भाव मतलब तस्य मतलब प्रमाता जो है, तो प्रमाता जागरण स्वप्न में जो प्रमाता बन होना था उपाधि के कारण से आत्मा का एक आकाश है, घट के परिधि में पड़ने से छोटा दिखाई पड़ा, उसकी उपाधि घट है। यदि उसको व्यापकता दिखाना हो, वो जो घट के भीतर में जो आकाश दिख रहा है छोटा दिख रहा है, व्यापकता दिख रहा हो तो घट को फोड़ो, उपाधि हटाओ यही परमात्मा है, और उपाधि करो ये प्रमाता है, ये स्थिति हो जाती है। अभी पूर्ण उपाधि नाश तो नहीं है, अभी सुषुप्ति अवस्था में विक्षेप शक्ति माने दो भाग में एक भाग उपाधि का नाश है, एक उपाधि और है आरोप शक्ति, वो तो आगे फिर चर्चा आएगी आगे उसकी। आरोप शक्ति का जो अभाव प्रश्न होता है मुख्य रूप से, अभी विक्षेप शक्ति का अभाव को लेकर के सुषुप्ति में चर्चा हो गई है। विक्षेप शक्ति के अभाव होने पर भी उस काल में ईश्वर भाव में हो जाता है, अपरिचिन्न दृष्टि में दिखाई पड़ता है आत्मा, और विक्षेप शक्ति जागृत स्वप्न में उस काल में शरीर आदि रूप में दिखाई दे रहा है, परिचिन्न रूप में दिखाई दे रहा है, ये स्थिति हो जाती है। कहा तस्य परेण एक ही भाव फल महा, उसका परमात्मा का परमात्मा का साथ एक ही भाव जो फल है उसको बताते हैं तेन इत्यादि का, तेन न पृथक तो व्यवस्था नहीं करवाने विषय उस काल में, वो तो परमात्मा में एक हो रखा है, इसी कारण से उससे अतिरिक्त रूप न विषय है ना इंद्रिय है उस काल में शुद्ध काल में, इसलिए विशेष दर्शन नहीं होता, क्यों विशेष दर्शन के लिए प्रमाता चाहिए, सुषुप्ति में प्रमाता नहीं परमात्मा के साथ हो गया है, और प्रमाण चाहिए इंद्रिय चाहिए, इंद्रिय का अज्ञान में लीन हो रखी है, और विषय भी नहीं रूपादि विषय भी अज्ञान में लीन हो रखे हैं, इसलिए विशेष दर्शन नहीं होता, यही फल है। आगे कहते हैं विषय इंद्रिय अभाव कृतम फल भाव, विषय और इंद्रिय के अभाव है उस काल में, प्रमाता जो था वो परमात्मा रूप में पहुंचा हुआ है, विषय और इंद्रिय नहीं सुषुप्ति काल में उसका फल बता दिया, तद अभाव बोल दिया,
विशेषण विषय और इंद्रियों के अभाव होने से तद अभाव आता है, विषय इंद्रिय अभाव, इंद्रिय नहीं वहाँ सुषुप्ति अवस्था में, विषय भी नहीं, इसलिए विशेष दर्शन नास्ति, विशेष दर्शन नहीं होता, ये रूप है रस है गंध है नहीं ज्ञान होता उसका, ये कारण है। टीका में कहते हैं किमिति विषयादि अभावार विशेष दर्शन में सिद्ध थे, क्यों विषय विषय और आदि से जाना इंद्रिय, इंद्रिय और विषय आदि का अभाव होने से विशेष दर्शन का क्यों निषेध किया जाता है। सत्वमेव तस्य आत्मसत्वादिनम किमस्य, उनका हो तस्य माने विशेष दर्शन, 15-25 की टिप्पणी में कहा तस्य विशेष दर्शन, तस्य तस्य माने विशेष दर्शन से आत्मसत्वादिनम किमस्य, आत्मा के अस्तित्व तो वहां भी है ना, तो विशेष दर्शन सत्व में वो विशेष दर्शन हो वहां, आत्मा तो है वहां विशेष सुक्ति में भी, तो विषयादि अभाव विशेष दर्शन निषेध किया आपने, विषय नहीं है इसे विशेष दर्शन नहीं होता, क्यों तो आत्मा तो है ना वहां सुषुप्ति में, तो विशेष दर्शन हो उसका अस्तित्व हो विशेष दर्शन का, ये शंका थी पूर्वादि आत्मसत्वाधि क्यों नहीं, आत्मा के अधीन क्यों नहीं माना जाए, विशेष दर्शन विषयादि के अधीन क्यों कहा, आत्मा के अधीन क्यों नहीं माना जाए, आत्मा तो है विशेष दर्शन हो, शंका उठाए पूर्वादि ने। उत्तर देते सिद्धांत ही करणादि कहा, करणादि कृतम ही तत् तत्पर विशेष दर्शन, करणादि कृतम इंद्रिय विषय के कारण होता है, आत्मा आत्मा के कारण नहीं, आत्मा के कारण होना तो सुश्रुति माना जाए, सुश्रुति नहीं होता विशेष दर्शन, करणादि कारण माने इंद्रिया और विषय, इनके कारण से विशेष दर्शन, जब इंद्रिया हो जिस अवस्था में विषय हो विशेष दर्शन होता है, जिसे ज्ञान होता है ये रूप है रस है गंध है, जब करणादि जिस अवस्था में नहीं सुषुप्ति इंद्रियादि नहीं है विशेष दर्शन का प्रभाव होता है, तत्सत्व तत्सत्वम तदभाव तदभाव, इंद्रियादि सत्य विशेष दर्शन, इंद्रियादि अभाव विषय अभाव, इंद्रियादि होने पर विषय दर्शन होता है, जागृत स्वप्न में देखा, जागृत में व्यावहारिक इंद्रिय स्वप्न कल्पित वासना में इंद्रिया है किंतु है, और जिस काल में इंद्रियादि नहीं इंद्रिया नहीं विषय नहीं उस काल में विशेष दर्शन का भाव कहाँ देखा, सुषुप्ति में देखा, न आत्मा प्रथम ऐसा होता है, आत्मा के द्वारा नहीं, आत्मा के कारण नहीं, इंद्रियादि के कारण होता है विशेष दर्शन, ननु अवस्था द्वय विशेष दर्शन आत्मकृतम प्रतिभाति, पूर्वादि बोलता है दो अवस्थाओं में जो विशेष ज्ञान होता है ना, रूप है रस है गंध है इत्यादि, मैं रूप को जानता हूँ आदि, आत्मा आत्मा के द्वारा होता है ऐसा लगता है दोनों अवस्थाओं में जागृत स्वप्न है, ननु अवस्था द्वय जागृत स्वप्न दोनों अवस्थाओं में जागृत और स्वप्न दो अवस्थाओं में विशेष दर्शन आत्मकृतम प्रतिभाति, आत्मा का ही कारण हुआ विशेष दर्शन ऐसा प्रतीत होता है, जागरूक में जो विशेष दर्शन होता है इंद्रिया के द्वारा नहीं आत्मा के द्वारा होगा ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है पूर्वादि का आधार है, दोनों अवस्था दो है, मतलब जागृत स्वप्न जागृत स्वप्न दो अवस्था 26 के टिप्पणी में कहा है इसको, जागृत स्वप्न अवस्था दो है, जागृत स्वप्न दो अवस्थाओं में विशेष दर्शन जो विशेष दर्शन होता है ना रूप है रस है गंध इत्यादि होता है, यहाँ आत्मकृतम प्रतिभाति आत्मा के कारण हुआ ऐसा प्रतीत होता है, जागरूक स्वप्न में जो विशेष दर्शन आत्मा के कारण हुआ ऐसा लगता है, तस्य प्रधान क्यों आत्मा की प्रधानता है विषय के ज्ञान में, इंद्रिया गौण विषय गौण मुख्य होता है प्रधान है मुख्य मुखिया होता है आत्मा, मुखिया के द्वारा कहा जाता है जब सेना लड़ती है तो राजा का नाम आता है, विशेष दर्शन यहाँ विशेष दर्शन हो रहा है जागरूक स्वप्न में आत्मा का ही माना जाए, क्यों यहाँ पर आत्मा की प्रधानता है सभी जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में आत्मा की प्रधानता है, इंद्रियों की प्रधानता नहीं विषयों की प्रधानता नहीं, एक पूर्वादि की शंका है, ननु अवस्था तो ये विशेष दर्शन आत्मकृतन प्रतिभाति आत्मा के कारण ही विशेष दर्शन हो रहा है ऐसा प्रतीत होता है, क्यों तस्य माने आत्मनः प्रधानत्वात् आत्मा प्रधान है मुख्य है वहाँ जागृत स्वप्न में इंद्रिय प्रधान मुख्य नहीं विषय ने आत्मा प्रधान है, तस्य 27 आत्मा का और 28 का प्रधानता करणादि अपेक्षा इंद्रियादि की अपेक्षा से आत्मा की प्रधानता है, आत्मकृत है जागरण स्वप्न में भी विशेष दर्शन जो प्रधान होगा उसी का नाम आएगा क्या इति आशंक ऐसा होगा, अतः इसके उत्तर देते सिद्धांत आत्मकृतम इव भाषत अवभाषत प्रत्यवभाषत है, तो इंद्रिय विषय के कारण विशेष दर्शन होता है, इंद्रिय विषय के कारण होता है जागृत स्वप्न में जो विक्षेप काम कर रही है, क्योंकि आत्मा ने किया आत्मा के कारण विशेष दर्शन ऐसा प्रतीत हो रहा है,
अवभाषा देगा। वास्तव मैंने आत्मा के द्वारा नहीं है, इंद्रिय विषय के द्वारा है। कहा आत्मकृतम विभाषा, आत्मकृतम प्रत्यवभाषा है, आत्मा के द्वारा किया गया जैसा लगता है, वास्तव में आत्मा के द्वारा नहीं है। विशेष दर्शन ज्ञान होना वो इंद्रिय विषय के माध्यम से होता है। ठीक है, ननु इत्यादि तात्पर्य उपसमर्थ है। ये ननु करके पूर्वादि की शंका उठाई थी ना, इत्यादि का तात्पर्य बताते आप ननु इत्यादि तात्पर्य बाहर करते हैं। ननु अवस्था दो इत्यादि में जो टीका में पूर्वादि की शंका उठाई थी, आत्मकृत जैसा लगता है, जागृत स्वप्न में विशेष दर्शन इंद्रिय के कारण है, आत्मा के कारण ऐसा होता है, तो सिद्धांत उसका फिर विशेष होता है। ननु इत्यादि तात्पर्य उपसमर्थ, तात्पर्य किसमें है, वहाँ आत्मकृत नहीं है, ये जो जागृत स्वप्न में विशेष दर्शन होता है वो आत्मकृत नहीं है, तात्पर्य का उपसंहार करते हैं। तस्मात कहा, तस्मात तत्कृता यम भ्रांति, ये भ्रांति है, आत्मकृत जो मानना भ्रांति है। आत्मनो दृष्टि परिलुप्यते, आत्मा की दृष्टि का अभाव होता है, ये अविद्या के कारण है। जागृत स्वप्न मानना ये सुषुप्त अवस्था में अभाव नहीं है, उसका जो अभाव होता करना ये भ्रांति है, वास्तव में नहीं है, आत्मा की कभी तो लोप नहीं होता। नहीं दृष्टि अविनाशित दृष्टारूप की दृष्टि है, साक्षी है, आत्मरूप दृष्टि है, आत्मरूप चैतन्य है, उसका कभी अभाव नहीं होता, ये बता रहे। ठीक है, प्रमात्र कर्ण विषय कृतत्व, ये विशेष दर्शन जो होता है तीन के कारण होता है। जो प्रमाता बनता है जिसका उपाधि विशिष्ट हो जाता है आत्मा, कब होता है, जागृत स्वप्न अंतकरण विशिष्ट होता है, चिदाभास विशिष्ट अंतकरण को प्रमाता कहा जाता है, प्रमाता और कर्ण इंद्रिया और विषय दत्त, पांच इंद्रिया पांच विषय है, इन तीनों के कारण से प्रमाता कर्ण माने इंद्रिया और विषय रूपादि विषय, इनके द्वारा ही विशेष दृष्टि विशेष ज्ञान इससे ही होता है। जब प्रमाता भी नहीं जिस अवस्था में, इंद्रियां भी नहीं है और विषय भी नहीं है, उस काल में विशेष दर्शन नहीं होता। या त्रिपुटी हो वहाँ प्रमाता प्रमाण और प्रमेय हो, वहाँ विशेष ज्ञान होता है, विशेष दर्शन होता है। जहाँ त्रिपुटी नहीं है सुषुप्ति में, नहीं त्रिपुटी, विशेष ज्ञान का अभाव होता है, यही है। प्रमातृकरण विषय कृतत्व कृतत्वाद विशेष दृष्टि, विशेष दृष्टि का कारण ये तीन होते हैं, जहाँ प्रमाता हो, इंद्रिया हो, विषय हो, तब विशेष ज्ञान कहाँ देखा, जागृत स्वप्न में देखा है। तेषां च सुषुप्त अभाव, ये तीनों नहीं है सुषुप्ति अवस्था, न प्रमाता है, न कर्ण है, इंद्रिया है, न विषय है, अभाव तत्कार्य आया विशेष दृष्टि का अभाव। उनका जो कार्य था, तीनों का जो कार्य था, प्रमाता प्रमाण और प्रमेय तीन मिलकर के क्या विशेष ज्ञान होना था, वो कार्य था, उसका जो अभाव बचा था सुषुप्ति में, इनके कारण या अभाव से कार्य का अभाव, विशेष दर्शन का कारण ये थे, तीन थे प्रमाता और इंद्रिया और विषय, उसका अभाव है सुषुप्ति में, तीनों नहीं है, इसलिए विशेष दर्शन नहीं होता है। तत्सत्व तत्सत्व तद अभाव तद अभाव, प्रमाता आदि होने पर विशेष ज्ञान होता है। प्रमाता विक्षेप शक्ति का परिणाम है, जागृत स्वप्न विक्षेप शक्ति है, उस काल में प्रमाता प्रमात्रा रूप में आत्मा दिख रहा है, इसका आत्मा है किंतु प्रमाता रूप में भाषता है, जैसे रज्जु सर्प रूप में भाषता विक्षेप शक्ति, ऐसे यहाँ आत्मा है इंद्रिय रूप में भाषता, आत्मा ही है विषय रूप में भाषता, अन्य अन्य में अन्य बुद्धि हो जाना, आत्मा में भिन्न भिन्न बुद्धि हो जाना, एक विक्षेप शक्ति का परिणाम होता है। ठीक है, प्रमात्रीकरण विषय कृतत्व विशेष दृष्टि विशेष दर्शन का कारण ही होता है, प्रमाता कारण और विषय तीनों होते हैं इनका। तेषां च सुषुप्त अभाव, सुषुप्त हमें प्रमाता भी नहीं है और कारण इंद्रिया भी नहीं है, विषय भी नहीं है, इसे विशेष दर्शन नहीं होता। कहा तत्कार्य आया, ये तीनों का जो कार्य है विशेष दृष्टि का कार्य विशेष दृष्टि बनी थी, तो उनके अभी अभाव उनका भी अभाव हो जाता। कहा तत्कृता मान जागरारो आत्मकृतत्व भ्रांति प्रतिपन्न विशेष दर्शन अभाव प्रेरिता का तत्कृता का ही है, तो तस्मात तत्कृता माने जागृत आदि अवस्था में ना जागृत स्वप्न में आत्मकृतत्व भ्रांति, आत्मकृत माना गया था भ्रांति के कारण क्रिया अन्यत्र है, आत्मा ने माना भ्रांति से प्रतिपन्न,
विशेष दर्शन अभाव प्रयुक्त है, विशेष दर्शन अभाव से प्रयुक्त है ये कहा। आगे आगे तो मंत्र है आगे, यद्वै तन्न जिग्रति, जिग्रन्वै तन्न जिग्रति, नहि ग्रातुर्ग्राते विप्रलोपो विद्यते, अविनाशित्वात् न तु तद्वितीयमस्ति, ततो अन्यत् विभक्तं यत् जिग्रेत्, यद्वै तन्न जिग्रति, जिग्रन्वै तन्न जिग्रति, नहि ग्रातुर्ग्राते विप्रलोपो विद्यते, अविनाशित्वात् न तु तद्वितीयमस्ति, ततो अन्यत् यत् विभक्तं जिग्रेत्, विभक्तं यत् जिग्रेत्, ततो अन्यत् यत् विभक्तं जिग्रेत्, ततो अन्यत् विभक्तं जिग्रेत्, यद्वै तन्न रसयते, रसयन्वै तन्न रसयते, नहि रसयितु रसयते विपरिलोको विद्यते, अविनाशित्वा न तु तद्वितीयमस्ति, ततो अन्यत् विभक्तं यत् पश्ये रसयेत्, यद्वै तन्न रसयते, रसयन्वै तन्न रसयते, नहि रसयितु रसयते विपरिलोको विद्यते, अविनाशित्वात् न तु तद्वितीयमस्ति, ततो अन्यत् विभक्तं यत् रसयेत्, यद्वै तन्न वदति, पदन्वै तन्न वदति, नहि भक्तुर्भक्तेर्विपरिलोको विद्यते, अविनाशित्वा न तु तद्वितीयमस्ति, ततो अन्यत् विभक्तं पश्य वदेत्, यद्वै तन्न वदति, पदन्वै तन्न वदति, नहि भक्तुर्भक्तेर्विपरिलोपो विद्यते, अविनाशित्वात् न तु तद्वितीयमस्ति, ततो अन्यत् विभक्तं यद् वदेत्, यद्वै तन्न श्रुणोति, शृण्वै तन्न श्रुणोति, नहि श्रोतुः श्रुतेर्विपरिलोपो विद्यते, अविनाशित्वात् न तु तद्वितीयमस्ति, ततो अन्यत् विभक्तं यत् श्रुयात्, यद्वै तन्न श्रुणोति, शृण्वन्वै तन्न श्रुणोति, नहि श्रोतुः श्रुतेर्विपरिलोपो विद्यते, अविनाशित्वात् न तु तद्वितीयमस्ति, ततो अन्यत् विभक्तं यत् श्रुयात्, यद्वै तन्न मनुते, मन्वानो वै तन्न मनुते, नहि मन्तुर्मते विपरिलोपो विद्यते, अविनाशित्वात् न तु तद्वितीयमस्ति, ततो अन्यत् यत् विभक्तं, ततो अन्यत् विभक्तं यत् पश्येत् यत् मन्वीत, यद्वै तन्न मनुते, मन्वानो वै तन्न मनुते, नहि मन्तुर्मतेर्विपरिलोपो विद्यते, अविनाशित्वात् न तु तद्वितीयमस्ति, ततो अन्यत् विभक्तं यत् मन्वीत, यद्वै तन्न पृशति, पृशन्वै तन्न पृशति, नहि प्रष्टु पृष्टेर्विपरिलोपो विद्यते, अविनाशित्वात् न तु तद्वितीयमस्ति, ततो अन्यत् विभक्तं यत् स्पृशेत्, यद्वै तन्न पृशति, पृशन्वै तन्न पृशति, नहि प्रष्टु पृष्टेर्विपरिलोपो विद्यते, अविनाशित्वात् न तु तद्वितीयमस्ति, ततो अन्यत् विभक्तं यत् स्पृशेत्, यद्वै तन्न विजानाति, विजानन्वै तन्न विजानाति, नहि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यते, अविनाशित्वात् न तु तद्वितीयमस्ति, ततो अन्यद्विभक्तं यद्विजानीयात्,
सात का एक साथ है। जैसे पूर्व खंडिका में कहा था यदि तन्न पश्यति, पूर्व पक्ष ने कहा था उस अवस्था में दिखता नहीं, चैतन्य नहीं है। सिद्धांत ने कहा था पश्चिम में तन्न पश्यति, उत्तर दिया था नहीं दृष्टि दृष्टि विपरीत अविनाशित्व न तो तद्वितीय अस्ति ततो अन्य विभक्तम यद पश्यत, ये पूर्व खंडिका थी। ठीक इसी प्रकार कहते हैं यदि तन्न जिग्रति, कहा पूर्वादि की शंका में है, शंका का शंका है रूप में है, उस काल में शोकता नहीं है, गंध का ज्ञान नहीं होता, कहा सुसुप्ति काल में, इसलिए आत्मचेतन नहीं है। यदि चेतन होता उस काल में गंध का ज्ञान होना चाहिए, गुलाब का पुष्प रखा हो, इतर रखा हो, सुसुप्ति में ज्ञान नहीं होता गंध का, इसलिए आत्मचैतन्य उस काल में व्यभिचारी है, आगंतुक है, जागृत स्वप्न में आत्मचैतन्य आता है, आत्मा आता है वहाँ नहीं है, व्यभिचारी है, आत्मा नित्य नहीं है, यह पूर्वादि की शंका थी। उत्तर दिया जिग्रण भाई तब जिग्रति करें, सुनता हुआ ही वहाँ नहीं सुनता है, विशेष ज्ञान नहीं होता गंधादि का, विशेष ज्ञान नहीं हो, क्यों? विशेष ज्ञान के लिए प्रमाता चाहिए था और इंद्रिय घ्राण इंद्रिय चाहिए वहाँ गंध सूखने के लिए, और गंध चाहिए, तीनों नहीं होगा, इस कारण से विशेष ज्ञान गंध का ज्ञान नहीं होता। नहीं घातुर घातिर विप्रलोभ चाहिए, माने घ्राण घ्राता जो प्रमाता है उसका भी जो साक्षी है, घ्राता का भी घ्राती है साक्षी है, उसका कभी लोप नहीं होता है, अथवा घ्राता रूप जो साक्षी है उसका कभी लोप नहीं होता, जो अविनाशी तो अविनाशी है, वो गंधक जो साक्षी गंध का भी स्वरूप साक्षी है उसका लोप नहीं होता। न तो द्वितीय उसका अंदर द्वितीय वस्तु नहीं है, सुश्रुति गंध नहीं है और करण भी नहीं है, प्रमाता भी नहीं है, तत्व अन्य विवर्तन यदि उस आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं हुआ, ये अन्य होकर के जान सके ऐसा वस्तु नहीं, वस्तु के अभाव के कारण विशेष गंध ज्ञान नहीं होता था। इसी प्रकार अद्वैतन रसायन गुरुवादी उस काल में स्वाद का ज्ञान नहीं होता, आस्वादन का ज्ञान नहीं होता, हत्ता मीठा कोई ज्ञान नहीं, मधुरादि ज्ञान नहीं होता, आत्मा चेतन होता तो वहाँ भी जानना चाहिए, सुशुद्ध अवस्था में जानना चाहिए, आत्मा नहीं है तो गुरुवादी की शंका में है। उत्तर देते हैं रसायन भाई तन्न रसायन वहाँ आस्वादन करता हुआ ही आस्वादन नहीं करता सुषुप्त अवस्था ऐसा, क्यों? नहीं रसई तो रसाई देखा जो रसयिता प्रमाता है उसका भी जो रसयिता है साक्षी है स्वरूप है उसका कभी अभाव नहीं होता, अविनाशी है वो, न तो दिव्य दूसरा वस्तु है रस नहीं है वहाँ, स्वार्थ युक्त वस्तु नहीं है, वस्तु का अभाव रस का अभाव है, ततो अन्य आत्मा से अन्य हो, सुशुद्ध काल में आत्मा तो परमात्मा के साथ एक रखा है, उससे अन्य वस्तु नहीं हुआ, विक्षेप शक्ति का काम नहीं कर रही वहाँ, विभक्त से विभक्त करने वाली होती विक्षेप शक्ति, सुशुद्धि में विभक्त नहीं कर पा रहे, ज्ञान तो है भुला ज्ञान है, जितने ये प्रमाता प्रमाण प्रमेय बनाने वाली विक्षेप शक्ति है वो नहीं है, तो जिसके कारण रस ले सके ऐसा विभक्त पदार्थ नहीं है, आत्मा से भिन्न पदार्थ नहीं उसका। यदि तन्न बदते ही रहा पूर्वादि का आत्मा होता तो वहाँ भी बोलना चाहिए सुषुप्ति में भी, बोलता नहीं सुषुप्ति में, इसके मतलब आत्मा नहीं है वहाँ, चैतन्य नहीं है आत्मा में, जड़ है, सिद्धांत बोल तन्न बदती बोलता हुआ ही नहीं बोलता है, बोलता हुआ नहीं बोलता, इसे कहा मैंने विशेष ज्ञान का अभाव है, सामान्य वक्तृत्व वहाँ है, एक आना है नहीं भक्तूर भक्ते पितृलोक मित्रते, जो वक्ता जागृत स्वप्न में बोलने वाला जो प्रमाता है, इसका जो वक्ता मैंने साक्षी है जिसके सामने से बोल पाता है, साक्षी के कारण बोल सकता है, उसका वहाँ अभाव नहीं होता है, एक अविनाशी वो साक्षी वक्ता के जो साक्षी है अविनाशी है, अथवा वक्ता रूप जो साक्षी है वह अविनाशी है, न तो द्वितीय अवस्थी क्यों वहाँ क्यों बोल नहीं सकता, जिसको शब्दादि नहीं है क्या बोले वह, द्वितीय वस्तु नहीं है तत्व अन्य आत्मा से भिन्न, संक्षिप्त काल में आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है,
यदि विभक्त जो विभक्त हो पृथक हो उसको देख सके विषय में जो बोल सकेगा विशेष ज्ञान का भाव है। यद्वै तन्मय श्रोति पूर्वादि बोला उस काल में सुनता नहीं आत्मा, इसके मतलब आत्मा नहीं है, आत्मा होता चेतन होता तो वहां सुषुप्ति अवस्था में सुनना चाहिए, शब्द आया ग्रहण नहीं करता सुनता नहीं। सिद्धांत का नहीं श्रोणन्वय तन्मय श्रोति सुनता हुआ भी वह नहीं सुनता, ऐसी स्थिति है उसका स्वरूप का भाव नहीं होता वहां, तो इंद्रिय नहीं है विषय नहीं है इसलिए शब्द आदि नहीं इसलिए नहीं सुन पा रहा है। नहीं स्रोत्र श्रुति श्रोता का जो श्रुति है मानी जो प्रमाता जो श्रोता होता है जागृत स्वप्न में उसका भी श्रुति है जिसके कारण से सब सुन सकता हो साक्षी है उसका कभी अभाव नहीं होता। श्रवण में तन्य श्रोति कहा सुनता हुए नहीं स्रोत्र श्रोतरे विपुलों को मिलते थे अविनाशित द्वार श्रोता का भी जो श्रोता है उसका कभी अभाव नहीं होता। श्रोत्र से श्रोत्रों चक्षुषा चक्षु के रूप से कहा है उस श्रोता का भी श्रोता है उसका भी योग नहीं होता। क्यों फिर यदि वहां पर वो श्रोता का भी श्रोता व्यक्ति है फिर शब्द क्यों नहीं सुनता प्रश्न आया ना, तो दिखते शब्द नहीं है वहां और शब्द ग्रहण करने वाली इंद्रिया भी श्रोत्र इंद्रिया भी नहीं है तद तद्युक्ति अस्थि ततो अन्य उस आत्मा से अन्य कोई इंद्रिया हो अथवा विभक्त वस्तु हो नहीं है ये सुनिया जो सुन सके कहा। यद्वै तन्न मनुते कहते हैं उस काल में मन नहीं कर सकता आत्मा सुश्रुति काल में किसी विषय का चिंतन नहीं कर पाता, इसका मतलब आत्मा नहीं है। यदि आत्मा हो चेतन है तो वहां भी मनन होना चाहिए चिंतन होना चाहिए विषयों का चिंतन वहां नहीं होता, इसका मतलब आत्मा नहीं है। पूर्वादि की शंका उत्तर देते मनवानो भी तन्न मनुते मनन करता चिंतन करता हुआ भी चिंतन नहीं करता विशेष चिंतन नहीं है। नहीं मंतुर मते विप्रलोक मिलते जो मनता है मनन करने वाला है चिंतन करने वाला जो प्रमाता है उसका जो मति है साक्षी है उसका कभी अभाव नहीं होता। अविनाशी द्वार कहा अविनाशी हो न तो दिखते क्यों नहीं होता फिर वहां मनन क्यों नहीं होता सुषुप्ति का दूसरा वस्तु नहीं है प्रमाता नहीं वहां और अन्य इंद्रिया नहीं वहां और विभक्त विषय नहीं वहां त्रिपुटी नहीं है इसलिए वहां मनन नहीं कर पाता ये कहा ततो अन्य विवर्तम के मन था उस आत्मा से भिन्न कोई वस्तु हो साक्षी से भिन्न कोई वस्तु हो इंद्रिया भी नहीं है वस्तु भी नहीं है प्रमाता भी नहीं कैसे मनन करें वहाँ विशेष ज्ञान का भाव रहता है। यद्वै तन्न पृशति पूर्वादि कहता महाराज उस काल में स्पर्श नहीं करता किसी विषय को कठोर या मृदु का ज्ञान नहीं होता ये कठोर है ये मृदु है ऐसा ज्ञान नहीं होता। यदि आत्मा हो चेतन आत्मा हो वहाँ भी कठोर का मृदु का ज्ञान होना चाहिए शीत उष्णादि स्पर्श का ज्ञान होना चाहिए वह शीत स्पर्श शीतस्पर्श का ज्ञान भी नहीं उष्ण स्पर्श का ज्ञान भी नहीं कोई शीतादि का ज्ञान नहीं होता इसका मतलब आत्मा नहीं है सुषुप्ति में ये पूर्वादि कहना सिद्धांत बोलते नहीं प्रश्न वही तन्न पृषति स्पर्श करता हुआ ही स्पर्श का अभाव होता है उसका स्पर्श करता है स्पर्श करता हुआ ही स्पर्श का अभाव स्पर्श नहीं करता था क्यों नहीं प्रष्टुर पृष्ठेर विप्रलोक में विद्य थे जो प्रष्टा है स्पर्श करने वाले को प्रष्टा बोला जाता है उसका उसका प्रष्टा का जो पृष्ठ है माने स्पर्श है उसका कभी अभाव नहीं होता माने प्रष्टा माने प्रमाता जो जागृत काल में स्पर्श करने वाला बनता है शीतोष्ण का अनुभव करने वाला प्रमाता उसका भी जो पृष्ठ है माने उसका भी जो साक्षी है जिसके कारण से प्रमाता कर सकता है उसका कभी अभाव नहीं होता। अविनाशी का अविनाशी है प्रमाता विनाशी है स्वप्न में विनाश शिशु में विनाश हो जाता है फिर जागरण में फिर उत्पन्न होता है ये स्थिति है ये दो अविनाशी है क्यों फिर वह स्पर्श क्यों नहीं करता यदि वो है तो कहा न तो दिखते हैं दूसरा वस्तु नहीं हुआ प्रमाता नहीं है ततो अन्य अन्य माने इंद्रिया भी नहीं है उस काल में स्पर्श करने वाले तो इंद्रिया नहीं है वहाँ शिशु व्यवस्था में विभक्त क्या है वहाँ प्रष्टव्य विषय भी नहीं है शीतोष्णादि जो विषय है वो भी नहीं हुआ इसका आप स्पर्श नहीं कर सकता विशेष ज्ञान का अभाव है। यद्वै तन्न विजानाति पूर्वादि बोलता है उस काल में कुछ भी नहीं जानता तो आत्मा नहीं है यदि आत्मा हो तो जानना चाहिए सुषुप्ति में जैसे जागृत में जानता है आत्मा है स्वप्न में जानता है आत्मा है विषयों का ज्ञान होता है वह ज्ञान नहीं है इसके बाद आत्मा नहीं
सिद्धांत विजान वही तन विजाना, जानता हुआ ही नहीं जानता हुआ, विजान वही तन विजाना थे, जानता हुआ ही तत्पन तत्र है वो सुषेद अवस्था में न विजाना थे, नहीं जानता क्यों नहीं विज्ञात और विज्ञात जो विज्ञाता है जागृत में जो विज्ञाता बनता है प्रमाता बुद्धि के साथ होने पर विज्ञाता बोला जाता है इसको, मन मन के साथ होने पर मनता बोला जाता है, चक्षु के साथ होने पर यही बोला जाता है श्रोता बस दृष्टा आदि बोला जाता है, न तो तीर्थ वस्तु दूसरा वस्तु नहीं होगा उस अवस्था में, दूसरा वस्तु नहीं है, दूसरा अपने प्रमाता नहीं विज्ञाता नहीं उस काल में सुश्रुति काल में, ततो अन्य माने जानने के साथ बुद्धि नहीं वहाँ सुश्रुति काल में, और विभक्त माने विषय नहीं वहाँ जानने के वस्तु नहीं वहाँ, यदि जान या जिसको जान सके वो न होने के कारण विशेष ज्ञान होता कहा इस प्रकार की एक कंडिका के बाद में सबको उसी के समान करके बोल दिया, पश्चिम में तन्न पश्चिमी इत्यादि कहा था, यह में तन्न पश्यति पूर्वादि था, उसके बाद सिद्धांत ने कहा कि पश्चिम में तन्न पश्यति नहीं द्रष्टु दृष्टि विनाशत्वा न तो तद्वितीय अस्ति ततो अन्य विवृतम पश्यति विवृतम यदि पश्यति इत्यादि पूर्व करने का हो गए थे, आगे उसी समान सारे इंद्रियों को लेकर के मन बुद्धि को लेकर के बता दिया भाष्य के बाद फिर देखेंगे समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति।